नमस्कार साथियों, आज की बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि सेकंड ग्रेड की जो SST है, सामाजिक विज्ञान है, उसकी पिकअप लिस्ट जारी हो चुकी है। ये पिकअप लिस्ट आपकी फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है। फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है तो इन सभी साथियों को, 110 कैंडिडेट हैं ये, इन सभी को बहुत बहुत बधाई विक्रम मैथ सर गनीपुर की तरफ से। अब ये साथी जिनका भी चयन हुआ है, वो साथी अपना रोल नंबर यहाँ पर देख लें, और वेटिंग वालों का जो भी आपका एक पर्सनली ग्रुप है क्रिएट कर सकते हो आप, जिसके अंदर ये सभी पिकअप लिस्ट वालों एक साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है TSP एरिया के 3 कैंडिडेट हैं और नॉन TSP के 110 कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल चयन हुआ है। यहाँ पर कैटेगरी का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख रहे हो कि रैंक जिनकी 500 प्लस है उनको भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनका भी। तो ये कुछ डिवो कैटेगरी, जैसे डिवोर्स में है, तलाकशुदा है, या फिर वो SC ST उसके अकॉर्डिंग इनको वरीयता मिलती है। अब आप सभी साथी इसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया शुरू होगी आपकी, वो होगी आपकी मंडल भरने की, ठीक है। कि मंडल भरने की जो आपकी प्रक्रिया होगी वो इसके बाद की जस्ट काम है। तो सभी साथी इसके लिए आपको क्या क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1-2 मिनट आपका समय लूँगा। सबसे जो फर्स्ट है, एक तो आपके मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर आप रेडी, मतलब रेडी का मतलब आपका सही होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि मैसेज इस पे आएगा। दूसरा नंबर पे आपकी जो आपने मेल आईडी दे रखी है, उस उन मेलों को भी आप चेक करते रहें, क्योंकि वहां पर भी आपको मंडल भरने की इंफॉर्मेशन आती है। नंबर 3 पर नया जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लें, भाई जनरल वालों के नहीं, जो बाकी OBC ST SC हैं, ठीक है, उन सभी के लिए नया जाति प्रमाण पत्र मस्ट है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आप बनवा लें, क्योंकि ये काउंसलिंग पे भी आपको मांगा जाएगा, ज्वाइनिंग के समय भी आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा आपको सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके 10वीं से लेकर के कंप्लीट BEd तक, जिन्होंने MA कर रखी है, MA, RSCIT, जो भी डिग्री आपने कर रखी है, वो सारे आपको कंप्लीट चाहिए। इसके अलावा आपको मंडल पर वरीयता, मंडल पर आपको वो देनी है एक, क्या जिसको बोलते हैं यहाँ पर परिवेदना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी परिवेदना देने का आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 100, जैसे पूरे एक मंडल में आपको 25 कैंडिडेट है और आपका नंबर 25 पर है, और यदि आप परिवेदना देते हो तो 25 से आपको 5वें नंबर पे भी आप आ सकते हो, ठीक है, 5वें नंबर पे भी आप आ सकते हो। इसलिए ये परिवेदना देनी है, उसको थोड़ा ध्यान रखें। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको जब आपके मंडल भरे जाएंगे उस दिन कंप्लीट बता दूंगा कि परिवेदना में आपको क्या लिखवाना है। फॉर्मेट आपको मैं बना करके कंप्लीट लिखे हुए हैं, सिर्फ सेंड करना बाकी है। वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे ज़्यादातर साथियों को पता है, विक्रम मैथ सर, मैथ सर गनीपुर, ये टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आपको ये सारी जितने भी ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट, जितने भी आपको ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट, जैसे शपथ पत्र, आपको 5 शपथ पत्रों की जरूरत होती है, 5 शपथ पत्र हैं। कोई भी साथी अभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनाए, इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी साथी अभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवाए, कहीं करवाना स्टार्ट कर दे, अभी आपको नहीं करवाना है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, अभी नहीं करवाना है। इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ये भी आपको अभी नहीं बनवाना है, ये आपको सभी जिस दिन काउंसलिंग होगी उसके 2 दिन बाद पहले आपको ये चीज़ें करवानी होती है, ठीक है। तो वो आपको जैसे ही मंडल भरे जाएंगे, मंडल साला दर्पण पे भरे जाते हैं, साला दर्पण पर मंडलों को भरा जाता है, बीकानेर साइट पर इसकी सूचना मिलती है, बीकानेर निदेशालय की ऑफिशियल साइट पर। और इसके अलावा जैसे ही आपको मंडल आवंटन होता है, भरा जाएगा, उसके जस्ट बाद आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही मंडल भरेंगे, मंडल भरना शुरू हो गए, उसके बाद में जस्ट दूसरे नंबर पे आपकी होती है काउंसलिंग। जो भी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग आपकी कहाँ पर होगी, JD स्तर पर, मतलब जो आपके मंडल है, जो भी आपको मंडल मिला है वहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के दिन ही आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी, जिस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग होगी, और उसी दिन सेम डे, मतलब आज हो गई 10 तारीख को आपकी काउंसलिंग है, तो 11 तारीख को या फिर 10 तारीख को ही नाइट को आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे। और अब आचार संहिता भी हट जाएगी, जब तक तब तक आपकी ज्वाइनिंग अच्छे से हो जाएगी,
ठीक है साथियों, तो ये आपके लिए अब रेडी रहे और सभी साथियों को अगेन बहुत बहुत बधाई। और बाकी विषय की भी अभी निकलने वाली है और जो संस्कृत और विज्ञान विषय के साथी हैं उनका भी बहुत जल्द ही मंडल भरने की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है साथियों, और जैसी भी अपडेट आती है आपको यहाँ पर मैं कंटिन्यू देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।